भारत नेपाल का संबंध शुरू से मजबूत रहा है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र की बात हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र। और इसी मजबूत संबंध की भारत ने एक बार फिर मिसाल पेश कर दी है। दरअसल नेपाल की सेना के प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें भारतीय सेना में जनरल की मानद उपाधि से नवाजा गया है। नेपाल के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। जिसके बाद नेपाल सेना के प्रवक्ता की तरफ से भारत की ओर से प्रभु राम शर्मा को दिए गए इस सम्मान के लिए प्रसन्नता जताई गई है। जनरल प्रभु राम शर्मा को सहर्ष भारतीय सेना के जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। प्रसिद्ध प्रबल जन सेवा श्री महारथी प्रभु राम शर्मा। बता दें, नेपाल आर्मी चीफ अपनी 4 दिन की भारत यात्रा के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो भारतीय सेना के ही दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत पहुंचने के बाद जनरल प्रभु राम शर्मा ने दिल्ली में सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर माल्यार्पण किया था। ये तो रही नेपाल आर्मी चीफ के भारत पहुंचने की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि कब प्रभु राम शर्मा को नेपाल सेना का प्रमुख चुना गया? दरअसल प्रभु राम शर्मा को साल 2021 के सितंबर महीने में चुना गया था नेपाल सेना का प्रमुख। नेपाल सेना के प्रमुख की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से युद्ध और रणनीति में एमफिल की डिग्री ली हुई है। इन्होंने इसके साथ ही साथ भारत में ही सेना की टेक्निकल अधिकारी की ट्रेनिंग भी ली हुई है। साल 1984 में प्रभु राम शर्मा ने नेपाल सेना में दूसरे लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन लिया था और फिर इसी साल वे सेना के जनरल बने हैं। बता दें कि पिछले साल नवम्बर महीने में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपने 3 दिवसीय यात्रा पर नेपाल पहुंच गए थे, जहां पहुंचकर नेपाल सेना मुख्यालय में भारत और नेपाल की सेना के प्रमुखों जनरल नरवणे और जनरल पूर्णचंद थापा के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। लेकिन भारतीय सेना प्रमुख की इस नेपाल यात्रा में जो चीज सबसे अहम थी वो थी जनरल नरवणे का नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा सम्मानित किया जाना। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जनरल नरवणे को नेपाल सेना की ऑनरेरी जनरल रैंक से सम्मानित किया था, जिस पर जनरल नरवणे ने कहा था, नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया जाना मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है। खैर, आपको बता दें 1950 से ही ऐसी परंपरा चली आ रही है, इसमें भारत भी नेपाली सेना के चीफ को भारतीय सेना के जनरल की ऑनरेरी रैंक देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।